दोस्तों साउथ सिनेमा ने आज बॉलीवुड को इतना पीछे कर दिया है कि वो अब चाहकर भी आगे नहीं आ सकता। लेकिन कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो अब कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है क्योंकि नवंबर महीने में कुछ जबरदस्त फिल्में आने वाली है जो कि आपकी पसंदीदा फिल्मों में से एक होने वाली है। साथ ही इनका कंटेंट ऐसा है कि आप भी कहेंगे क्या बात है सर। नवंबर महीने में कई जबरदस्त फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस महीने रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर वन पर आती है भूल भुलैया 3। अनीस बज्मी के निर्देशन वाली फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को रिलीज हो रही है। कार्तिक आर्यन की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में विद्या बालन, राजपाल यादव के साथ साथ इस बार तृप्ति लिमरी और माधुरी दीक्षित भी दिखाई देने वाली है। इसके अलावा राजेश शर्मा, विजय राज, अश्विनी कालेसकर, मनीष बाधवा और संजय मिश्रा भी शामिल होने वाले हैं। फिल्म में रू बाबा को कोलकाता की हवेली में दो आत्माओं का सामना करना पड़ता है जो कि ये दावा करती हैं कि वही असली मंजुलिका है। नंबर टू पर आती है सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन भी 1 नवंबर को रिलीज हो रही है। ये उनके कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, रणवीर सिंह और दयानंद शेट्टी नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और श्वेता तिवारी भी कास्ट की गई है। सलमान खान अपने प्रिय पात्र चुलबुल पांडे के रूप में भी एक कैमियो दिखाई देंगे। इस बार बाजीराव सिंघम एक दिलचस्प खोज पर निकलते हैं जिसमें रामायण के भीतर छुपे सुरागों को सुलझाते हुए अपनी पत्नी अवनी को बचाने की कोशिश करते हैं जिसे आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। नंबर 3 पर आती है कंगुआ। फैंटेसी तमिल फिल्म कंगुआ 14 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसे तमिल के अलावा मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है। फैंटेसी फिल्म को शिवा ने निर्देशित किया है। फिल्म में सूर्या ने दोहरी भूमिका निभाई है। फिल्म में दिशा पटानी, बॉबी देओल, जगपति बाबू, योगी बाबू, नटराजन, सुब्रमण्यम, रेडिन किंग्सले, KS रवि कुमार, आनंद राज और कोवई सरला भी है। कंगुआ की कहानी एक योद्धा के संघर्ष पर केंद्रित है जो कि एक सहस्राब्दी पहले अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। 14 नंबर पर आती है द साबरमती रिपोर्ट। वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट भी नवंबर महीने में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। इस थ्रिलर का निर्देशन धीरज सारना ने किया है। इसकी कहानी गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस के भीतर एक दुखद घटना पर आधारित है। ये घटना 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास भड़के उपद्रव को उजागर करती है। इस थ्रिलर फिल्म में विक्रांत मेसी, राशि खन्ना और रिद्धि लोगना मुख्य भूमिकाओं में है। ये 15 नवंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 5 पर है मैच फिक्सिंग। इस पॉलिटिकल ड्रामा को केदार प्रभाकर गायकवाड़ के निर्देशन बनाई गई है। इसकी कहानी अनुज एस मेहता ने लिखी है। ये फिल्म द गेम बिहाइंड सफरन टेरन नामक विवादास्पद किताब से प्रेरित है। कहानी राजनीतिक साजिशों की गहरी परतों को उजागर करती है जिसमें भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बीच अलीग सांठगांठ की जांच की गई है। फिल्म में विनीत कुमार सिंह, मनोज जोशी और अनुजा साठे मुख्य भूमिकाओं में है। ये फिल्म भी 15 नवंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 6 पर है एरियल एनकाउंटर। शाबिर शेख के निर्देशन बनी इस एक्शन फिल्म का लेखन और निर्माण प्रदीप चुरीवार ने किया है। फिल्म के कलाकारों में शहबाज खान, ब्रातती गांगुली, रजा मुराद, ऋषिकेश तिवारी, मुश्ताक खान, अमृत दजारी और अखिलेश वर्मा है। एरियल एनकाउंटर कहानी है मुस्कान की जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। 2002 के गुजरात में एक आतंकवादी साजिश के लिए ब्लैकमेल की जाती है। फंसने और बेबस होने के कारण वो एक योजना का हिस्सा बन जाती है जो कि मुख्यमंत्री को टारगेट करती है। ये घातक मुठभेड़ की ओर ले जाती है जो कि उसके सपनों को चकनाचूर कर देती है। ये फिल्म भी 15 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। नंबर 7 पर है मैकेनिक रॉकी। रवि तेजा, मल्लापुदी के निर्देशन में इस कॉमेडी फिल्म में विश्वक सेन ने मुख्य भूमिका में है जबकि मीनाक्षी चौधरी और श्रद्धा श्रीनाथ महिला लीड रोल में नजर आने वाली है। इसके अलावा फिल्म में सुनील, नरेश, हर्षा वर्धन, हर्षा चेमड़ू और रघुराम है। फिल्म में मैकेनिक की कहानी है जिसकी जिंदगी अचानक पलट जाती है जब एक कुख्यात खलनायक की कार मरम्मत के लिए उसके गैरेज में आ जाती है। ये फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। नंबर 8 पर आती है बदतमीज गिल। वाणी कपूर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म बदतमीज गिल भी नवंबर महीने में लॉन्च होगी। ये ड्रामा कॉमेडी एक युवा लड़की और उसके परिवार की जिंदगी के बारे में है जो कि बरेली और लंदन की विपरीत दुनियाओं के बीच स्थित है। नवजोत गुलाटी के निर्देशन बनी इस कॉमेडी फिल्म में अपार शक्ति खुराना, रिचर्ड भक्ति क्लाइन, परेश रावल, मोनिका चौधरी, शीबा चड्ढा और अमर सिंह जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन फिल्में देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।